रोहन सर, एक सवाल आ रहा है, सवाल वर्थ पेरिफेरल, पेरिफेरल WORTH, वर्थ पेरिफेरल से 112 रुपए के आसपास का भाव है। 12। देखिए इलिक्विड स्टॉक है, मेरी तो मैं सलाह दूंगा कि अवॉइड कीजिए BSE की। शायद ये अब BSE का स्टॉक है और ये इलिक्विड स्टॉक है, तो मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक में से दूर रहिए। अगर आपने इन्वेस्ट किया रहेगा तो जो भी आपका प्राइस है, बाइंग प्राइस, उसके यहाँ पे निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इलिक्विड स्टॉक में ये होता है कि बहुत टाइम चला जाता है लेकिन स्टॉक में ऐसी कोई मूवमेंट होती नहीं है, तो ये चीज होती है। तो बेस्ट सलाह रहेगी स्टॉक का अवॉइड किया जाए। और अगर आपने आपके पोर्टफोलियो में है तो जो भी आपकी बाइंग प्राइस है उसके भी ऊपर रहेगा, तो इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी स्टॉक में से, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू है और नहीं लग रहा कि इसकी लिक्विडिटी का इशू रहेगा। ये स्टॉक रेंज में ही रहेगा और आपके रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, इसलिए अवॉइड करने की सलाह। या आपके पास रहेगा तो जो भी आपका प्राइस रहेगा या प्राइस से ऊपर रहेगा तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी स्टॉक में से। जी, तो ये है व्यू। NSE में भी है सर, लेकिन वही है कि वॉल्यूम वहाँ पे भी बहुत कम है। यस, अगर वॉल्यूम मैं का भी इशू है देखूँ और तो वो शायद नहीं लग रहा कि ऐसे स्टॉक, एक्सपीरियंस भी है कि ऐसे स्टॉक टेक्निकली अच्छे लगते हैं या साइडवेज में होते हैं और फिर वो स्टॉक वही के वही अपना काफी टाइम बताते, तो आपका पैसा फंसा रहता है, आपके रिटर्न्स आते नहीं है। जी,